उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर हो रहे हैं चुनाव और इस पर लगातार वोटिंग हो रही है। रक्षा मंत्री व लखनऊ से बीजेपी प्रत्याशी राजनाथ सिंह परिवार समेत वोट डालने गोमती नगर स्थित मतदान केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि फैसला अब जनता के हाथों में है। हमारे एनडीए का लक्ष्य 400 पार का है। इसी बीच हॉर्नबिल टीवी से बातचीत के दौरान राजनाथ सिंह के पुत्र नीरज सिंह ने अमेठी और रायबरेली की सीटों के सवाल पर कहा कि इंडिया गठबंधन का कोई अस्तित्व नहीं है, कांग्रेस हार रही है। अमेठी के बाद अब रायबरेली से भी राहुल गांधी गायब होने वाले हैं। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी बहुमत से अपनी सरकार बना रही है। मैं मान रहा हूं कि पूरा लखनऊ आज माननीय राजनाथ सिंह जी के इस नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के, नए लखनऊ के विजन के साथ है। हम बहुत ही थंपिंग मेजॉरिटी के साथ इस सीट को देखने जा रहे हैं और 400 जो हमारे प्रत्याशी जीत कर जाएंगे, सबसे चमकता दमकता कमल हमारे इस लखनऊ से जाएगा। अमेठी रायबरेली की सीट अहम मानी जा रही है। अमेठी में कोई मुकाबला नहीं है। हमारी शानदार दमदार नेता बहन स्मृति ईरानी जी बहुत मेजॉरिटी के साथ जीत रही हैं और राहुल जी जैसे अमेठी छोड़कर गए, वायनाड में अब कमजोर स्थिति पाकर रायबरेली में वो शरण लेना चाह रहे हैं। वहाँ के कार्यकर्ता कांग्रेस के हमारे प्रत्याशी के साथ हैं, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ रायबरेली भी हमारी झोली में ही आएगा। क्या लगता है इस बार क्या रहेगा 5 लाख का जो आंकड़ा? बिल्कुल 5 लाख का आंकड़ा हम पार करेंगे। तो राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह जी थे हमारे साथ में, आज यहाँ पे वोट डालने के लिए पहुंचे हुए थे और इनका साफ तौर से कहना है कि अमेठी और रायबरेली सीट में जिस तरीके से कांग्रेस दावेदारी कर रही है वो सिर्फ हवा हवाई है और अमेठी ये खुद गए थे और उसके साथ ही साथ अमेठी से इन्होंने कहा है कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए हम सब ने वोट किया है। आज भारत का नाम जिस प्रकार से पूरे विश्व के अंदर नहीं, आज तो चंद्रमा पर भी शिव शक्ति के रूप में विद्यमान है। उस गौरवशाली भारत के निर्माण के लिए हम सभी मतदान कर रहे हैं। 400 कमल जो माननीय मोदी जी के झोली में पूरे भारत से जाएंगे, तो सबसे चमकता दमकता कमल हमारे इस लखनऊ से जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। और जिस प्रकार की मैं भीड़ देख रहा हूँ, यह गर्मी किसी के अंदर किसी प्रकार की भी नरमी नहीं आने दी है। लोग बाहर निकल रहे हैं और पिछली बार से कहीं ज़्यादा मतदान कर रहे हैं। लखनऊ की जनता को मैं साधुवाद देता हूँ और बाकी जो लोग घरों में हैं मैं उनसे अपील करता हूँ वो बाहर निकले और लोकतंत्र की इस प्रक्रिया में मताधिकार का प्रयोग करके अपनी भी सहभागिता वो सुनिश्चित करें। जीत का मार्ग राजनाथ जी का क्या होने वाला है? 5 लाख पार होगा इस बार? देखिए, राष्ट्र में अब की बार 400 पार, फिर से मोदी सरकार और लखनऊ बोले 5 लाख पार। ठीक है, थैंक यू। जो वोटिंग परसेंटेज है वो ज्यादा है और पब्लिक जागरूक है और लगातार वोट डाल रही है और इस बार भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से 400 पार करके सत्ता में काबिज होगी। विजय के साथ शरद सरार, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।